एक दिन किंजल परी अपनी जादुई कालीन पर सवार आसमान में उड़ रही थी। तभी अचानक रोहिणी नाम की परी जादुई कालीन पर उड़ती हुई उसके पास आ जाती है। क्यों रे किंजल की बच्ची, कल तूने टीचर से मेरी शिकायत की थी, जिस वजह से टीचर ने मुझे बहुत डांट लगाई। आज मैं तेरे सारे दांत तोड़कर अपना बदला लूंगी। रोहिणी तुम बहुत बुरी हो, हमेशा क्लास में शरारत करके दूसरी परियों को परेशान करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी शिकायत की थी। अगर आज तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। तभी रोहिणी की नजर किंजल की कालीन पर रखे सामान पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये तो सोने की फेस क्रीम और चांदी का पाउडर है। लगता है ये दोनों जादुई हैं। ला क्रीम और पाउडर मेरे हवाले कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने कई महीनों की मेहनत के बाद ढेर सारे पैसे जमा किए थे ताकि मैं जादूगरनी से ये दोनों चीजें खरीद सकूं। इन्हें लगाकर मैं अपने काले रंग को दूर करना चाहती हूं। अब मैं इनका इस्तेमाल करके खूबसूरत बनूंगी। उसके बाद रोहिणी किंजल की पिटाई करने लगती है। किंजल भी रोहिणी के साथ लड़ना शुरू कर देती है। इसी हाथापाई में कालीन पर रखी फेस क्रीम और पाउडर का डिब्बा दोनों नीचे गिर जाते हैं। अरे नहीं, तेरी वजह से मेरा कीमती फेस क्रीम और पाउडर नीचे गिर गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद किंजल रोहिणी के बालों को पकड़कर उसे खूब मारती है। दूसरी तरफ धरती पर कुएं के पास बर्तन धो रही अनीता नाम की लड़की के पास सोने की फेस क्रीम और चांदी का पाउडर आ गिरता है। अरे ये तो सोने की फेस क्रीम और चांदी के पाउडर का डिब्बा है, आखिर ये दोनों अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गए। उसके बाद अनीता फेस क्रीम और पाउडर लेकर अपने घर चली जाती है। फिर आईने के सामने खड़ी होकर अनीता सोने की फेस क्रीम अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर देती है। तभी अचानक एक चमत्कार होता है और अनीता बहुत खूबसूरत बन जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, इस फेस क्रीम को लगाते ही तो मैं खूबसूरत बन गई। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत बन गई हूँ। तभी पाउडर का डब्बा अनीता से कहता है, सुनो लड़की, मैं चांदी का पाउडर हूँ, अब तुम मुझे अपने बालों पर छिड़क लो, उसके बाद तुम्हारे बाल चांदी के बन जाएंगे। अनीता उसी वक्त चांदी के पाउडर को अपने बालों पर छिड़कना शुरू कर देती है और देखते ही देखते उसके सिर के सारे बाल चांदी के बन जाते हैं। अब अनीता की खूबसूरती कई गुना बढ़ चुकी थी। तभी वहाँ अनीता की सौतेली बहन विमला आ जाती है। अनीता की खूबसूरती देख विमला को अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता। अरे ये क्या, अचानक तू इतनी सुंदर कैसे बन गई? ये सोने की फेस क्रीम और चांदी का पाउडर लगाकर मैं इतनी सुंदर बनी हूँ। अच्छा तो ये बात है, लगता है ये जादुई है। ला ये दोनों मुझे दे दे, अब मैं भी तेरी तरह खूबसूरत बनूंगी। लेकिन विमला जैसे ही फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है कि तभी उसके चेहरे पे जलन होने लगती है और अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़े बड़े पिंपल निकल आते हैं। अरे ये क्या, मैं तो बदसूरत बन गई। तू एक लालची लड़की है, इसीलिए मैंने तुझे बदसूरत बनाया है। विमला चांदी के फेस क्रीम से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन चांदी की फेस क्रीम उसकी एक नहीं सुनती। उसके बाद विमला रोती हुई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अनीता के खूबसूरत होते ही पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगती है। सुनो अनीता, आज हमारी रानी ने महल में अपने बेटे के लिए स्वयंवर रखा है। आसपास के राज्य की सभी राजकुमारियां और खूबसूरत लड़कियां महल में पहुंच रही हैं। तुम भी वहां जाओ, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें देखते ही राजकुमार तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अनीता ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसी वक्त महल की ओर चल देती है। तभी अचानक रास्ते में उसकी सौतेली बहन विमला उसका रास्ता रोक लेती है। अच्छा तो तू राजकुमार से शादी करने जा रही है, लेकिन मैं तेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। तेरी सोने की फेस क्रीम लगाकर मैं बदसूरत बनी हूँ, अब मैं तुझे भी बदसूरत बना दूंगी। ठहर जा, मैं अभी अपने चाकू से तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देती हूँ। इतना कहकर विमला एक बड़ा सा चाकू निकाल लेती है, लेकिन तभी अचानक चांदी के पाउडर का डब्बा हवा में उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। वो विमला के सिर पर ढेर सारा पाउडर छिड़क देता है, जिस वजह से विमला के बालों में आग लग जाती है। अरे ये क्या, मेरे बालों में आग लग गई, अरे कोई बचाओ। चल जल्दी भाग यहाँ से और दोबारा अनीता के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना मैं तुझे जलाकर राख के ढेर में बदल दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा सबक मिल गया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद विमला हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर भाग जाती है। दूसरी तरफ अनीता महल में चल रहे स्वयंवर में शामिल हो जाती है।
अनीता की खूबसूरती देख वहाँ मौजूद सभी राजकुमारियों की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। दूसरी तरफ रानी अनीता को देख बहुत खुश होती है और उसी समय उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लेती है। फिर अगले ही दिन रानी अनीता और अपने बेटे की शादी करवा देती है। इस तरह अनीता की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो रानी बनकर महल में राज करने लगती है। किसी राज्य में नैना और सुनैना नाम की जुड़वा राजकुमारी बहनें रहती थीं। नैना स्वभाव से बहुत ही लालची और मतलबी थी, वहीं दूसरी तरफ सुनैना बहुत सीधी सादी थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से राजा की मौत हो जाती है। नैना अपने पिता की मौत का फायदा उठाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाती है और अपनी बहन सुनैना को महल से बाहर निकलवा देती है। अपनी बहन की धोखेबाजी से सुनैना को बहुत दुख होता है। बेचारी महल के पास वाले जंगल में कुछ समय बाद उन दोनों राजकुमारियों का बर्थडे आ जाता है। सुनैना अपने बर्थडे पर हर साल गरीबों को खाना खिलाया करती थी और साथ ही उन्हें उपहार के तौर पर कपड़े और मिठाइयाँ देती थी। सुनैना इस साल भी अपना बर्थडे इसी तरह मनाना चाहती थी। फिर वो महल पहुंचकर नैना से कहती है, नैना आज हम दोनों का जन्मदिन है। तुम तो जानती हो मैं हर साल अपने जन्मदिन पर बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाती हूँ और उन्हें उपहार देती हूँ। इस साल भी मैं गरीबों के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, इसीलिए मेहरबानी करके मुझे महल के खजाने से कुछ सोने के सिक्के दे दो ताकि मैं अच्छी तरह अपना जन्मदिन मना सकूं। सुनैना की बात सुनकर नैना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे जन्मदिन तो सिर्फ एक बहाना है, सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तू यहाँ भीख मांगने आई है। तू चाहे जितना भी गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। चल भाग यहाँ से। देखो ये तुम गलत कर रही हो, इस महल पर हम दोनों का बराबर अधिकार है। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा करके इस महल पर कब्जा कर लिया, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन आज तुम इस तरह मेरी बेइज्जती करके ठीक नहीं कर रही। देख लेना, एक न एक दिन तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मेरे ही दरबार में खड़ी होकर तुम मुझे धमकी दे रही हो। लगता है तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सिपाहियों इसे रस्सी से बांधकर इसकी खूब पिटाई करो और उसके बाद इसे महल के बाहर फेंक दो। नैना के इतना कहते ही सिपाही सुनैना को बांधकर उसकी खूब पिटाई करते हैं और जब सुनैना पूरी तरह लहूलुहान हो जाती है तो उसे उठाकर महल के बाहर वाले नाले में फेंक दिया जाता है। बेचारी सुनैना रोती हुई अपनी झोपड़ी की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसकी सहेली कंचन परी उसे मिलती है। अरे सुनैना ये सब क्या है, तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो गया? अपने आलीशान महल को छोड़कर तुम ये फटे पुराने कपड़े पहनकर रास्ते पर क्यों भटक रही हो? और आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बधाई देने आई हूँ। लेकिन तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे सारी बात बताओ, आखिर ये सब कैसे हुआ? फिर सुनैना कंचन परी को अपनी बहन के द्वारा दिए गए धोखे के बारे में बताकर रोने लगती है। तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली, चिंता मत करो, उसके बुरे कर्मों की सजा उसे मैं दूंगी। उसके बाद कंचन परी सुनैना को लेकर सीधे महल पहुंच जाती है। महल में नैना परी के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। पूरे महल को बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। वहाँ ढेर सारे मेहमान आए हुए थे, साथ ही दरबार के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा केक रखा हुआ था। लेकिन तभी सुनैना और परी को देख नैना हैरान हो जाती है। क्यों रे सुनैना, इतनी मार खाकर भी तुझे अकल नहीं आई जो तू दोबारा यहाँ आकर मेरे सामने खड़ी हो गई है? तूने मेरी इस मासूम सहेली पर बहुत जुल्म किए हैं, मैं आज सारे जुल्मों का हिसाब चुकाने आई हूँ। अच्छा तो तू इसकी मदद करने आई है? ठहर जा, मेरे सिपाही अभी तेरी खाल खींच लेंगे। चलो सिपाहियों, इस परी को मार मार कर इसका भरता बना दो। लेकिन तभी कंचन परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उन सिपाहियों के ऊपर मिर्ची से बने हुए बड़े बड़े केक गिराने लगती है। अरे मर गया रे, ये तो मिर्ची वाला केक है। आँखों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जल रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह सभी सिपाही जोर जोर से रोने लगते हैं। दूसरी तरफ कंचन परी दरबार में मौजूद केक को मिर्ची के केक में बदल देती है और वो केक हवा में उड़कर नैना के ऊपर गिर जाता है। नैना भी जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये मिर्ची का केक तो बहुत ही खतरनाक है, मुझसे ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही, अरे कोई बचाओ मुझे।
उसके बाद कंचन परी वहाँ ढेर सारी जादुई सैंडल प्रकट करके नैना और उसके सिपाहियों की खूब पिटाई करवाती है। चल अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से भाग जा और दोबारा इस महल में आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तेरा इससे भी बुरा हाल करूँगी। इसके बाद नैना वहाँ से भाग निकलती है। उसके पीछे पीछे उसके सारे सिपाही भी महल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर कंचन परी सुनैना को राजगद्दी पर बैठा देती है और बड़ी धूमधाम के साथ उसका जन्मदिन मनाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रानी बनकर सुनैना हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। संजना मसाले बेचने का काम करती थी। एक दिन वो अपनी टोकरी में ढेर सारे मसाले लेकर शहर की ओर जा रही थी। तभी जंगल के रास्ते में वो देखती है कि दो चुड़ैल एक परी को मार रही हैं। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तू चाहे जितना भी चिल्ला ले, लेकिन तू नहीं बचने वाली। हाँ, हम दोनों तुझे मारकर तेरा मुलायम मांस और गर्म खून पिएंगे। अरे ये क्या, ये दोनों चुड़ैले तो बेचारी परी को जान से मारना चाहती हैं। मुझे परी को बचाना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? ये दोनों चुड़ैल बहुत खतरनाक दिख रही हैं। तभी संजना को एक उपाय सोचता है। फिर वो अपनी टोकरी जमीन पर रख देती है और उसमें से लाल मिर्च पाउडर निकालकर दोनों चुड़ैलों के पास पहुंच जाती है। चलो इस परी को छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत की तुम मुझे धमकी दे रही है, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। हाँ, तूने हमारे सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इस परी के साथ साथ हम तुझे भी मारकर खा जाएंगी। तभी संजना लाल मिर्च दोनों चुड़ैलों की आंखों में डाल देती है। अरे मर गई रे, मेरी आंखों में जलन हो रही है, अरे कोई मुझे पानी ला कर दो। हाय, लगता है मेरी आंखें फूट गई। ये लड़की तो बहुत ही खतरनाक है, चल बहन भाग यहाँ से। उसके बाद दोनों चुड़ैल दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई है, वरना ये दोनों चुड़ैल मुझे मार के खा जाती। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहती हूँ। उसके बाद परी संजना को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बता देती है। बेटी तुम बहुत बहादुर हो, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर हम पर एहसान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। उसके बाद परी की माँ संजना को अपने घर के आंगन में ले जाती है। वहाँ एक छोटा पौधा था। परी की माँ उस पौधे को जमीन से उखाड़कर संजना को देते हुए कहती है, ये जादुई पौधा है, इसे ले जाकर तुम अपने घर के आंगन की जमीन में दबा देना। रोज रात ठीक 12 बजे ये पौधा एक विशाल पेड़ में बदल जाएगा और साथ ही इसके ऊपर ढेर सारे 2000 रुपए के नोट प्रकट हो जाएंगे। जब तुम पेड़ से सारे नोट तोड़ लोगी, तब ये पौधा अपने असली रूप में आ जाएगा। इस तरह तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अरे वाह, मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद संजना उस पौधे को अपने घर के आंगन में दबाकर 12 बजने का इंतजार करने लगती है। फिर रात को ठीक 12 बजे वो पौधा एक विशाल पेड़ में बदल जाता है और उस पर ढेर सारे 2000 रुपए के नोट प्रकट हो जाते हैं। ये देख संजना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो एक एक कर सारे नोट तोड़ लेती है। उसके बाद पेड़ फिर से छोटा होकर पौधे के रूप में बदल जाता है। अगले दिन संजना बाजार जाकर ढेर सारी शॉपिंग करती है। अरे ये संजना तो मसाले बेचती है, आज तक मैंने इसे नए कपड़े पहनते हुए नहीं देखा, लेकिन आज तो ये ढेर सारे कपड़े खरीद रही है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लगता है इसने नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे जमा किए होंगे। खैर हमें क्या, चल यहाँ से। दूसरी तरफ संजना रोज रात को जादुई पेड़ से नोट तोड़कर जमा करने लगती है। कुछ ही दिनों में संजना के पास ढेर सारे नोट जमा हो जाते हैं। संजना अपने पुराने घर की मरम्मत कराकर उसे सुंदर घर में बदलवा देती है। अब से मैं रोज गरीबों को अपने घर पर खाना खिलाऊंगी। उसके बाद संजना मालती नाम की औरत के घर पहुंचती है।
मालती शादी और पार्टियों में खाना बनाने का ऑर्डर लेती थी। आंटी, मैं अपने घर पर रोज ढेर सारे गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको खाना बनाने का ऑर्डर देने आई हूँ। आपको रोज मेरे घर आकर ढेर सारा खाना बनाना होगा। संजना, मैं खाना बनाने के बहुत पैसे लेती हूँ। अगर तू रोज मुझसे खाना बनवाएगी तो तेरे बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। तूने इस बारे में सोचा है क्या? पैसों की फिक्र मत करिए, आपको जितने चाहिए उतने पैसे दूंगी। बस खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। आप कल से मेरे घर पर आकर खाना बनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद संजना मालती को एडवांस के तौर पर ढेर सारे पैसे देकर चली जाती है। फिर अगले दिन मालती संजना के घर खाना बनाने पहुंच जाती है। संजना आसपास में मौजूद सभी गरीब लोगों को वहां बुला लेती है। फिर खाना बनने के बाद संजना उन्हें एक लाइन में बिठाकर खाना खिलाती है। अगले दिन से ये रोज की बात हो जाती है। संजना हर दिन गरीबों को खाना खिलाने लगती है। इस बात से मालती को बड़ा आश्चर्य होता है। आखिर संजना के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जरूर इसे कोई खजाना मिला है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। फिर उस दिन से मालती हर वक्त संजना पर नजर रखने लगती है। फिर रात 12 बजे जब संजना पेड़ से नोट तोड़ रही थी, तभी मालती ये नजारा देख लेती है। अच्छा, तो ये सारा कमाल इस जादुई पेड़ का है। अब संजना को मारकर मैं इस पेड़ पर कब्जा कर लूंगी। उसके बाद मालती एक बड़ा चाकू लेकर संजना पर हमला कर देती है। बेचारी संजना घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब तू जिंदा नहीं बचेगी, चल मरने के लिए तैयार हो जा। ठहर जा लालची औरत, मेरी मालकिन को घायल करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे 2000 रुपए के नोट चाहिए ना? अब मैं तुझे नोट खिलाकर ही तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद उस पेड़ से ढेर सारे नोट निकलकर मालती के मुंह के अंदर जाने लगते हैं। देखते ही देखते मालती का पेट नोटों से भर जाता है। आए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। थोड़ी ही देर में मालती तड़पती हुई अपने प्राण छोड़ देती है। इस तरह दुष्ट मालती को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर उस दिन के बाद से संजना के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।